चोबा तहसील रोड पर पुलिस की टीम ने गौ रक्षा दल कैथल की सूचना के आधार पर नाकाबंदी करके पिकअप गाड़ी को एक मृतक गाय व चार जिंदा गाय सहित एक गौ तस्कर को काबू किया और अब पुलिस इस मामले में उचित कार्यवाही कर रही है। मेरा नाम बलकार सिंह, गौ रक्षा दल कैथल जिला अध्यक्ष। ये गाय है तस्करी की, जो रात हमारे को सूचना मिली चीका से, ये इस गाड़ी नंबर पिकअप जो पेवे की तरफ आ रही है, तो हमने पुलिस प्रशासन पेवे की टीम के साथ ज्वाइंट नाका लगाया और हम इसका पीछा किया, तो हमने ये गुलमोर रोड तहसील रोड पर हमने इस गाड़ी को रोका। तो रोकने के बावजूद इसमें पता लगा एक गाय है जो मरी हुई थी और जो चार गाय थी वो अंगूर गुच्छा करके बांधी हुई थी, तो एक तस्कर हमने मौके पर पकड़ा। हाँ, हमने रात ही कंप्लेंट कर दी थी, तो आज इन पर आकर इसको लेंगे और आगे कार्रवाई और करवाएंगे। बस के दौरान गुलडेरा के पास से अपने कर्मचारियों के साथ पता लग गया था भी वहाँ पर गौ रक्षकों ने गाड़ी रुकवाई हुई है, जो मौके पर देखा पिकअप गाड़ी में पांच गाय ठूस ठूस कर भरी हुई थी, जो उनको नीचे उतार कर चेक किया और उनको से डॉक्टर मौके पर डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने बुलाकर उनको चेक किया जिनमें एक गाय मरी हुई पाई गई, जिसका गौ रक्षक हरियाणा 2015 के तहत उसका धारा सेक्शन 3 के तहत उसके एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई में मिल जाएगी। जो मौके पर ही आसम खान दरियाकत खान गांव शाहपुर का थाना गंगो जिला सहारनपुर यूपी को भी मौके पर पकड़ा गया, जिसके तहत कार्रवाई में मिलाई जाएगी।